नमस्कार साथियों, वायनेट लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आप सबको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जिससे 15 मिनट में आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं। साथियों, यदि आप कहीं शादी पार्टी या कहीं जा रहे हो तो आप अपने आप को किस प्रकार से 10 से 15 मिनट में अपने चेहरे को तरोताजा और सुंदर बना सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगी। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको लेना है एक आलू। आलू हमारी त्वचा को निखारने के लिए बहुत कारगर है। आपको आलू को छील लेना है। आलू में विटामिन सी, विटामिन बी पाया जाता है। साथियों, आलू को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लें। फिर उसे कटोरी में निकालकर उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएं। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर अपने चेहरे पर, अपने हाथ पैरों में थोड़ा थोड़ा लगाकर मसाज करें। आपको मसाज 5 मिनट तक करना है। उसके बाद 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। इससे आपके चेहरे में निखार आ जाएगी, आंखों के नीचे का कालापन दूर हो जाएगा, चेहरे पर चमक आ जाएगी। 10 से 15 दिन ऐसा करने से कील, मुहासे और पुराने से पुराने दाग धब्बे चले जाएंगे और चेहरा कोमल और सुंदर हो जाएगा। साथियों, आलू में कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, फाइबर, थायमिन आदि कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू आपके स्किन की कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाता है और जो आलू में विटामिन सी पाया जाता है वह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो आपकी त्वचा को साफ करता है और रोम छिद्रों के अंदर तक जाकर सफाई करता है। उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है। तो साथियों, इस उपाय को करने से आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपने चेहरे पर चमक नजर आ जाएगी और बेजान त्वचा में जान आ जाएगी। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।